हेलो दोस्तों, तो अब हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं एक्टिवा 5G की, होंडा की। अभी मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ओपन होती है, कहाँ से इंस्टॉलेशन होती है, कैसे। विदाउट रिले इसमें लगा रहे हैं हम GPS। इसके जो है ये स्क्रू हम खोल लेंगे। यहाँ से भी खोल लेंगे इसके पेचों को। ये इसकी चौक है और अभी हम चाबी वगैरह ऑन करके देख लेंगे। इसके मीटर में कुछ प्रॉब्लम है। लाइट इसमें आ रही है, यहाँ पर चाबी ऑफ करेंगे, लाइट चली जाएगी। तो इसे हम ऐसे खोल लेंगे। तो इसकी रबड़ के, जहाँ पे रबड़ लगी होती है, इसके नीचे भी पेच होते हैं। इसे खोल लेंगे, कहीं इसे भूल जाएंगे तो फिर खींचा खाची में टूट जाएगा। तो ये रबड़ को हम ऐसे आराम से हाथ से उठा लेंगे। तो इसके नीचे हमें पेज दिख जाएगा। तो इसके सिर्फ चार पेज निकालने होते हैं, उसके बाद हम इसे यहाँ से यूं करेंगे तो ये निकल आएगा। हमें निकल चुका है। जो हमारे जो चाबी के कनेक्शन है वो यहाँ पे, तो दोस्तों इसके अंदर नीचे कोई प्लग नहीं है, ये सीधा यहीं से निकलेगा। ये इसके अंदर ऐसे फंसा हुआ होता है, इसको हम हल्का सा दबा लेंगे और इसे यूँ निकालेंगे तो इसका ये प्लग जो है बाहर आ जाएगा। तो आगे की कोई कार्रवाई नहीं है इसके अंदर, सीधा यहीं से खुलेगा। यहाँ पावर रेगुलेशन अभी हम जम्पर वायर की मदद से चेक कर लेते हैं। इसका चाबी का है, इसके अंदर दो वायर है, एक वाइट एंड रेड, एक ब्लैक एंड रेड। इसके अंदर पावर रेगुलेशन हम चेक करेंगे। तो एक जम्पर वायर हमने इसके अंदर लगा दिए एक साइड में। अब इसे कहीं अर्थिंग में टच करके देखेंगे। ये हमारी पावर है वाइट एंड रेड, और दूसरी वाली जो है ब्लैक एंड रेड। ये हमारी इग्निशन होगी, यहाँ पे हम लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी गाड़ी के अंदर। हमारी जो है गाड़ी चालू हो चुकी है। तो हमारी अब इग्निशन के लिए, हम इग्निशन स्टेटस के लिए वो इस वायर को यूज़ करेंगे, ब्लैक एंड रेड को, और पावर के लिए, मेन सप्लाई के लिए इसको यूज़ करेंगे। और उसकी अर्थिंग हम यहाँ किसी बोल्ट में लगा देंगे या यहाँ बैटरी में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छा काम करेगा। अभी हमने ये पिन पेचकस की मदद से निकाल लिया है। ये इग्निशन की वायर है। अभी हम दूसरी वायर निकाल के दिखा देंगे आपको कि ये कैसे निकालनी होती है। तो हम वायर कोई भी कट नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ही वायर को कट करेंगे। अगर करेंगे तो गाड़ी की कोई वायर नहीं कट करेंगे, जैसे इसकी वारंटी वगैरह जाएगा वारंटी में हो तो। कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे GPS के इंस्टॉलेशन से। पेचकस की मदद से इसे हम अंदर कर लेंगे। लग चुका है अभी। इसके अंदर एक छोटा सा लॉक होता है, उस लॉक को हम पिन पेचकस की मदद से उठाएंगे और पीछे की तरफ से खींच लेंगे तार, तो इजीली वो निकल जाएगा। अभी हमारी निकल चुकी है थिम्बल, जिसमें हम अच्छे से वायर को अटैच करके जैसा हमने निकाला था इसे वैसे ही लगा देंगे। वायर हम किसी भी गाड़ी के अंदर कट नहीं करते। ऐसे था
अब जो हमारी वायर जो है लग चुकी है अच्छे तरीके से, अभी इसे छोटाई से टाइट कर देंगे ताकि कोई भी वायर हिले नहीं, लूज ना हो। और यहाँ पे कोई भी वायर बाहर नहीं है तो इसलिए स्पार्किंग का कोई चांस नहीं है। अगर हम कोई कटिंग कर देते हैं तो स्पार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा टाइप को हम कट कर देंगे। हमारी जगह ये दो इग्निशन की और पावर की वायर लग चुकी है, हमारी जो है सिर्फ अर्थ की रह गई है। जहाँ से निकाला था इसको वापस वहीं पर ही इंसर्ट कर देंगे और इसे वापस दबा देंगे ताकि लॉक ना निकले। अभी लग चुका है, हमारी अर्थिंग चेक करेंगे। अर्थिंग लगाने के बाद में हमारे डिवाइस में लाइट आ जाएगी। तब ये स्क्रू है, इसके अंदर हमारे अर्थिंग आ रही है। हम यहाँ पे गोटी की मदद से इसे खोल लेंगे, चाबी से भी खोल सकते हैं, आपकी खुद की चॉइस है, जैसे भी आप खोल सकें इजीली खोलने से। हम इसे एक जगह पे बांध देंगे ताकि इसकी वायर वगैरह जो है टूटे नहीं। यहाँ पर लगा देंगे तो हमारी जो डिवाइस है उसके अंदर लाइट आ जाएगी। इसको लगाने के बाद हमने अच्छे टाइट कर दिया, डिवाइस हमारी लाइट आ चुकी है और हम चाबी ऑन करके भी देख लेंगे एक बार। हमारे इसमें भी करंट आ चुका है गाड़ी के अंदर, मतलब ओके है। हम स्टार्ट वगैरह करके चेक कर लेंगे गाड़ी ओके है, यहाँ से बंद करके देख लेंगे। तो दोस्तों अब हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, तो मैं अभी इसे पैक करूँगा जब आपको दिखाता हूँ। तो हम इस डिवाइस को जो है पैक कर देंगे अपने GPS को, पन्नी लगा देंगे इस पर अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए और डिवाइस की वारंटी आउट ना हो हमारी साइड से। जो है पैक हो चुका है, इसको टेप से बांध देंगे ताकि पन्नी ना निकले इसकी। डिवाइस को किसी सही जगह पे टाई कर देंगे ताकि वो निकले नहीं। बड़ी टाई की मदद से लगा लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा तार बची है उसको भी टाइपिंग कर देंगे। ये हमारी पूरी पैक हो चुकी है डिवाइस। हम डिवाइस को यहाँ पे एक हैवी वायर दिख रहा है, इस पर ही हम इसे बांध देंगे। ये हमारा स्काई साइड फेसिंग है डिवाइस का, ये एंटीना साइड है, इससे हमारे नेटवर्क वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिवाइस को अगर आड़ा टेढ़ा लगा देंगे तो दिक्कत आएगी डिवाइस की नेटवर्किंग में। हमने टाई कर दिया, अब यहाँ से लूज़ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अभी हमारा डिवाइस जो है पैक हो चुका है, हमारी वायरिंग हो चुकी है, गाड़ी भी ऑन है। तो हम आपको गाड़ी पैक करके दिखा देते हैं, जैसा हमने निकाला था इसे उसी तरह से इसे वापस लगा देंगे। इसके अंदर लॉक होते हैं, लॉक के अंदर इसे आराम से बैठा के सेट करके लगा देंगे। हमारी जो गाड़ी पैक हो चुकी है, अब हम पेच लगा देंगे इसके अंदर, जैसे हमने रबड़ के नीचे से निकाले थे। तो पेच हमें सारे ध्यान रखना है कि कौन से कहाँ से निकाले थे, उस तरीके से ही वापस उसे लगा देंगे। यहाँ से निकाल
कोई भी पेच अगर हम छोड़ देते हैं तो गाड़ी तो जो हमारी गाड़ी है पैक हो चुकी है। तो दोस्तों पूरी तरह से अभी पैक हो गई है गाड़ी। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।